हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल में। और पिछले मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 97 और 98 यानी दो क्वेश्चन आपको दिए थे सही जवाब देने के लिए। और सबसे पहले जो सही जवाब देने वाले विजेता हैं आज के क्विज के, वो हैं अर्चना सिंह, दोनों का बी, नीतू देवी, दोनों का बी, अनु शर्मा ने 97 का बी, और प्रताप सिंह, इनको आप देख भी सकते हैं प्रोफाइल पिक में, इन्होंने 97-98 बी बताया है। सुमन टूर का एक सही है, एक गलत है। और इसके बाद सीमा शर्मा ने दोनों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सीटेट स्पेशल ने भी दोनों का बिल्कुल सही जवाब दिया है, और ये इनका नाम कट गया, जो भी है इन्होंने सही जवाब दिया। तो इतने लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आज का मॉक टेस्ट पूरे ध्यान से देखिए और सही जवाब देने की कोशिश करिए ऐसे दो प्रश्नों का जो मैं आपसे पूछूंगा। तो चलिए, आपको वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद अपना जवाब कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, फॉलो मी ऑन द एन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड गेट अपडेट्स अबाउट माई न्यू कोर्सेस। येस, वहाँ पर आप मेरे सारे लेसन्स देख सकते हैं। 3 कोर्सेस अब तक पब्लिश हो चुके हैं, और आप स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिनसे मैं पढ़ाता हूँ, और वीडियोस को ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है आज के मॉक टेस्ट का, आप सब ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, ये तरीका किसके लिए उपयुक्त नहीं? समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन विधि के लिए, या फिर प्रश्नोत्तर के लिए? तो देखिए, अगर आप ही बाल केंद्रित उपागम से अगर पढ़ाएंगे कक्षा में, तो बाल केंद्रित उपागम में ये प्रदर्शन के लिए, ये विधि जो है, ये तरीका जो है, ये प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब होगा अधिगम का धनात्मक अंतरण। जी हाँ, क्योंकि जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र, यानी आपने किसी एक क्षेत्र से कुछ सीखा है और उसी सीखे हुए का प्रयोग जब आप दूसरे क्षेत्र में करते हैं, तो ये अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण है। जैसे किसी बालक को हिंदी भाषा सीखने से भोजपुरी भाषा सीखने में अगर मदद मिलती है, तो ये एक धनात्मक अंतरण है अधिगम का। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, या ए व बी दोनों सही है? या यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। अच्छा कम्युनिकेशन कौशल होना चाहिए कि आप विद्यार्थियों से कम्युनिकेट कर सकें अच्छे से, और विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान भी आपको होना चाहिए। ठीक है, तभी आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए किसको? व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को, या सामूहिक चर्चा को? इसका सही जवाब होगा कहानी कथन को। देखिए, जब आप निचली कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो आपको सदैव कहानी कथन को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि कहानी कथन के माध्यम से बच्चों के चिंतन का विकास होता है और वे जल्दी सीखते हैं। युवा अधिगमकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, या स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई? क्वेश्चन नंबर 5 द करेक्ट आंसर इज बी। जी हाँ, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, ये पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से होता है? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक से, या सीखने के मनोवैज्ञानिक? तो व्यवहार का जो संवेगात्मक पहलू है वो संबंधित होता है सीखने के भावात्मक पक्ष से। इसके अंतर्गत व्यक्ति की संवेगात्मक दशा को आसानी से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सबकी स्क्रीन पर। जो कड़ी प्रतियोगिता की एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे व बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा।
वंशानुक्रम के संबंध में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी हेरिडिटी, वंशानुक्रम और गलत कथन बताना है तो चौथा ऑप्शन। देखिए, वंशानुक्रम से तात्पर्य जो है वो शारीरिक मानसिक गुणों के संचरण से है जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। इसमें रुचि, अभिवृत्ति आदि की संवेगात्मक भावनाएं समावेशित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि समावेशित होती हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीनों वंशानुक्रम के लिए सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है, यानी रचनात्मक क्रिएटिविटी आकलन जब आप करते हैं तो कौन सा उपयुक्त नहीं है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। सही जवाब पहला ही होगा, दत्तकार्य यानी रचनात्मक आकलन से तात्पर्य मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों की अधिगम की गुणवत्ता का विस्तार किया जा सके। अवधि परीक्षा, मौखिक प्रश्न और खेल इसके प्रमुख उपकरण हैं। ठीक है, तो ये दत्तकार्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 11-12 मैं आपको देता हूँ। इरफान जो है वो खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए इसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, तो ये तो यार गलत है डेफिनेटली। सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, ये भी नहीं। उसकी जिज्ञासी प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए अब 11वां और 12वां प्रश्न ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने हैं कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं और सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं, ये विधि क्या है? और 12वां प्रश्न भी देख लीजिए, इनके सही जवाब दीजिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में। थैंक यू।